आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भारत की सबसे अच्छी कास्ट के मुर्गे, हाई लेवल के मुर्गे, तो इससे बड़ी कास्ट को है ही नहीं। आप देख सकते हैं सीरियल के सामने सबसे बेस्ट कास्ट, देखो ये दिख रहे हैं, ये मुर्गा, ये मुर्गी, ये हमारे रॉक स्टार बोलते हैं इसको, ये रॉक स्टार मुर्गा और मुर्गी देख सकते हो आप। इसको हमारे देशी भाषा में टेनी बोलते हैं। इसका जीवन काल 8 साल 10 साल तक जिंदा रहते हैं, और 8 साल तक मुर्गी अंडा देती है, और मुर्गा भी 8 साल तक मांग देता है पूरी, फिर बूढ़े होकर ख़त्म होने का चांस बोल रहते हैं। 8 साल तक इनसे आप अंडे ले सकते हो, मीट खा सकते हो, बच्चे निकला सकते हो। इसके मुर्गी का 1000 रुपया लगता है, मुर्गी का 700 रुपया लेते हैं, सस्ता है। और मुर्गी महीने में 30 अंडा देती है, 5-7 दिन पुरुख मांगती है, फिर अंडों पर हो जाती है। अगर आप बच्चे निकला तो ये बच्चे भी निकाल सकती है। इनको सिर्फ बाहर का बाहर एरिया में खुले में रखो, और इनको देसी फीड दो, जो कि फ्री स्टार्टर नहीं, देसी फीड दो, जिससे वो अच्छे तरह से अपना ग्रोथ करें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना ये खुद भोजन ढूंढती है, घूमती फिरती है, खुद अपना भोजन ढूंढती है। ये मुर्गी बच्चे निकालने में बहुत माहिर है, किसी की मुर्गी अंडे रख दो निकाल लेगी। इतनी बेहतरीन क्वालिटी की मुर्गियाँ मुर्गा है, हमारे भारत की भीड़ है, सबसे पुरानी भीड़ है, ये देहाती गांव में मिलती है। हरिशान जी को शौक से हैं, पालते हैं, इसके अंडे बहुत कॉस्टली होते हैं, हर चीज़ अच्छी होती है इसमें, इनको बोलते हैं टेनी। इसके बाद में आता है कड़कनाथ, कड़कनाथ का वो दो काले कलर की दो मुर्गियाँ घूम रही है नहीं, उनको बोलते हैं कड़कनाथ, जो काले कलर का मुर्गा खड़ा है, ये कड़कनाथ मुर्गा है, बुझा रहा हूँ। ये मुर्गी का जीवन काल 2 साल का होता है, 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है, 2 साल के अंदर अंडे ले लो। ये मुर्गी कंटिन्यू अंडे देती है, इनके अंडों में बहुत ही प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा, और मुर्गियों के अच्छा अंडे होते हैं। इनके अंडे बहुत प्रकार की दवाइयों में काम आता है, जो कि आप नेट पर सर्च करके देख लो कड़कनाथ। इनकी पहचान क्या है, ये बिल्कुल ब्लैक होती है, छोटे कदी होगी बिल्कुल ब्लैक होगी, यानी सब कुछ काला होगा, मुंह खोल के देखो तो काला होगा, अंडे भी काले देगी, इनका मीट भी काला होगा, और अंदर जो काटते हैं तो ब्लड भी काला निकलेगा। ये मुर्गी कंटिन्यू अंडा देती है, ये मुर्गी कंटिन्यू अंडा देती है, बंद नहीं होती है, लेकिन ये बच्चे नहीं निकालती है, इसके अंडे दूसरी मुर्गी के नीचे रखना पड़ता है। जैसे मैंने बोला जो टेणी अभी मैंने दिखाई थी, वो उस मुर्गी के नीचे रखने से उसके बच्चे निकाल लो आप। लेकिन ये मुर्गी खाना बहुत खाती है, हरदम चुगती रहती है, हरदम चुगती है बिल्कुल, रोज दिन होता रात वो कंटिन्यू खाना तो खाती रहेगी। देखिए मुर्गी और कड़कनाथ, तो बोलते हैं कड़कनाथ, ये कड़कनाथ, ये कड़कनाथ मुर्गा कहाँ चला गया, कड़कनाथ मधु के ऊपर बैठा है, पेड़ के ऊपर है, उतर रहा है, कड़कनाथ मुर्गा है। इसके अंडे की कीमत 50 रुपये के लमसम होती है, अंडे बहुत बिक्री होता है इनका। इसके बाद में आ जाए ये असील मुर्गा, प्योर असील, देखो ये बहुत लड़ाकू और फाइटर मुर्गे होते हैं, ये देखो ये बहुत लड़ाकू फाइटर, ये असील मुर्गी है। असील मुर्गी महीने में मात्र 12-13 अंडा देती है सिर्फ, फिर 1 महीने तक वो अंडे नहीं देगी। इनकी कीमत असील मुर्गी की 10,000 से ऊपर ही होती है, मुर्गी 7,000 से ऊपर शुरू जाती है, अच्छी कास्ट की मुर्गियाँ तो उनकी 7,000 से ऊपर शुरू होती है। मुर्गा अच्छा कास्ट का 10,000 से लेके ऊपर कितने जा सकता है वो अपना मनमर्जी का है, कोई फिक्स रेट नहीं है। आप देख सकते हो स्क्रीन में प्योर असील मुर्गा है, ब्लैक स्टोन वाला है, का ब्लैक स्टोन नहीं सॉरी कलमारी, देखो बिल्कुल ऐसे पंख ऐसे उड़े होते हैं इनके, तो असली होते नहीं, ऐसे पंख उड़े होते हैं, लोग कैसे खड़ा, इनकी आवाज़ बहुत मोटी आवाज़ होती है। ये देखो असील का बच्चा ये जा रहा है, ये जा रहा है, एक बच्चा वो खड़ा, इनका बच्चा है, कितने हाइट तक नहीं, अरे अरे कहाँ से घुस गया, अरे ये असील के बच्चे हैं। इन बच्चों को तैयार करने में हमारे को कम से कम 10 महीने लग जाएंगे, अभी 3-4 दिन के हुए हैं,
अभी 10 महीने जाते हैं और बड़े होंगे, फिर जाके 10 महीने हो जाएंगे तब जाके अंडे देंगे। ये असील मुर्गी है, उसकी इन्हीं के बच्चे हैं। हमने 15 अंडा रखे लेकिन 5 बच्चे हमने शेयर कर दिए, पूरे निकाले। आए बंदा ले गया कोई, उसने पहले बोल दिया मेरे को बता दिया तो ले गया, लेकिन अभी 10 इनके पास में। इसी प्रकार ये कड़क, ये टेढ़ी मुर्गी है, ये मुर्गी बच्चे इनको 6 महीने में बाद अंडे पशु आ जाएगी, 6 महीने के अंदर अंडों पर आ जाएगा, अंडे के बच्चे देने शुरू कर देंगे। देखो ये 7 दिन का हो गया बच्चे, इसने भी काफ़ी निकाले लेकिन इनके भी मैंने सेल कर दिए बच्चे। ये है टिनी मुर्गी है, कुछ मुर्गियाँ अंडों पर बैठा रखी है। ये भी टेणी के बच्चे हमने रखे हैं पहले से मुर्गियाँ, क्योंकि इसलिए तकलीफ पड़ती है कि इनके अंडे बहुत बिक्री होते हैं, इनके अंडे बिक्री हो जाते हैं, तो टेणी मुर्गी अंडे खूब देती है ना, तो इनके अंडे बिक्री के लिए हम रखते हैं और मुर्गियों को बच्चों पर बैठा देते हैं। तो ये बच्चे घूमते हैं छोटे छोटे भी टेणी के, देखिए अंडे का 30 रुपया हिसाब से बेचते हैं, गर्मी में 50 को करते हैं, अभी से गर्मी सर्दी में 50 करते हैं, अभी 30 तक उनको सेल कर देते हैं। तो ये इनके लिए उनको फीड का हमारे कोई खर्चा नहीं है, फीड का हमारे खर्चा नहीं है। सामने हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं इनके छाया के लिए, आने वाले समय इनके पत्ते खा लेंगे और इनका फल हम खा लेंगे। ये पेड़ पौधे हमने इनके सामने लगा रखा है, सामने मेरा फार्म है, हमारे उनके अंदर निगो रखते हैं, देख सकते हो आप। दिन भर घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, अपना पेट भर लेते हैं। तो मेरे पास हमने आपको 3 पराठे की मुर्गी दिखाई और तीनों को बता दिया। बस टेढ़ी मुर्गी के भी हमने बता दिया कि जीवन काल कितना होता है, बच्चा 6 महीने में तैयार हो जाता है, असील का बच्चा 10 महीने में तैयार होता है। असील की मुर्गी मात्र 13 अंडा ही देती है, ज़्यादा देती नहीं है। तो ये हमको आपको कुछ जानकारी दी, कैसे लगा? इधर कोई चिड़िया बोल रही है, कुछ हो सकता है नेवला या बिल्ली आई होगी, इसलिए मुर्गा ही बोल रहे हैं। तो उस तरफ घास है ना, तो घास में कोई दिखाई नहीं देते हैं, तो एक बार हम चेक करते हैं क्या है। वैसे अंदर नहीं आ सकते हैं, दो बिल्ली है, दो उधारी, धीरे धीरे उनको विकेट गिराने का घास के अंदर चुपी थी, लेकिन ये डाली थी इसके लिए मैं इधर था तो वापस चली गई। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन बिल्ली आने से पहले चिड़िया जानवर संकेत देता था भाई कुछ खतरा है, तो ये पूरे संकेत हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं पूरे। हमने इसे प्रोटेक्शन तो दे रखी है पूरी, ऐसी बात नहीं है, जो आप देख सकते हो हमने काफ़ी कर रखा है। एक साइड में हो गए पूरे, ऐसे घूम रहे थे इस तरफ हो गए पूरे। इधर बकरी पालन है, बकरी का मालिक घूम रहा है। यहाँ देखो इस तरफ होंगे पूरे। तो मेरे पास 3 वेराइटी है, तीनों बहुत बेस्ट क्वालिटी है, इसमें कोई वो नहीं है। नॉर्मल कास्ट के, बड़ी कास्ट के मुर्गे मेरे पास, अच्छी बेस्ट क्वालिटी के, आप देख सकते हो। इनके लिए हरी सब्जियाँ भी बो रखी है, पत्ते भी अलग, हरी सब्जी की जरूरत नहीं, अभी तो बहुत घास इसके अंदर हो रखा है, चारा खाने के लिए परेशानी नहीं। बस इनका भोजन की कोई परेशानी नहीं है, मैं इनको बाहर से मीट सौंपन को मीट ला के डाल देता हूँ, खुला देता हूँ, मीट कटिंग पर जाऊँ, यानी फीड का खर्चा कुछ पूरा बचा रखा है मैंने। सब्जी वाले के पास जाके बच्ची को सब्जियाँ ला के डाल देता हूँ फ्री में, मीट वाले के पास जाता हूँ तो बेस्ट मीट होता है, ला के साफ करके इनको डाल देता हूँ, खा लेते हैं, अपना मस्त रहते हैं, फुल अंडे लेते हैं उनको मैं। अभी मेरे पास 20-25 पर डे अंडे होते हैं, अभी अंडे वापस सेल होने शुरू हो गए, पहले गर्मी में हिस्सी वाले ले जाते, अभी पूरे सेल होने शुरू हो गए। वो अंडे की रेट 30 रुपया, तो मेरा आराम से खर्चा चलता है। और मुर्गा मैंने आपको पहले बोला, एक बार कहीं भी नहीं वीडियो बनाएंगे, मैं ये असील के 100 मुर्गे तैयार करता हूँ साल में, मुर्गे 100 तैयार करता हूँ, और एक मुर्गा बड़ा होने पर 10,000 का बेचता हूँ, 7,000 का, 5,000 का, हर एक महीने का 1,000 का, एक महीने के बाद में 2 महीने बाद सेल शुरू करता हूँ, तो पता लगता है अच्छा कौन सा है, बेकार कौन सा है। तो इसी प्रकार
मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कितने बच्चे हैं मेरे पास। अभी अभी 9 महीने हो गए, 1 महीना रहा, अब 1 महीने बाद में पूरे बड़े हो जाएंगे। तो मैंने रखा है मुर्गियों के लिए, मुर्गियाँ मेरे पास थोड़ी कम बची है, मैंने अंडों को बैठा रखी है। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो, ये है ना, ये सील प्योर सील है, ये तीनों देखो, तीन दो उठता हूँ, ये देखो प्योर ऐसा नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मुर्गी है। तो वहाँ पर ये मुर्गी तो ट्रेनिंग में देखना, ये मुर्गी देखो तीन, ये देखो रोग स्टार मुर्गी है दो, मतलब इनकी हाइट देखो कितनी है, ये रोग स्टार देखो हाइट देखो कितनी है दोनों की। अभी इनकी कीमत 10,000 हो जाएगी, अभी दूंगा नहीं, बच्चे निकलाना मेरे को, बहुत बहुत बेहतरीन क्वालिटी की। बंदे ले गए, छोड़ के ले गए, वो बिकते रहे, अभी मेरे पास इतने बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे निकलाऊंगा मैं, वापस उनको सेल करूंगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी कैसे लगी।